हेलो एंड वेलकम। और जैसा कि हम CGPAT जो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का फिजिक्स का जो है आंसर के लिए क्या है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे इसका जो है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंसेक्ट ट्रैप्ड वाला जो है, इसमें इसका आंसर जो है क्या होगा, 0.44 रेडॉन पर सेकेंड। और दूसरा एंगुलर स्पीड हो जाएगी, और लीनियर स्पीड जो है आपकी मोशन कितना, 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक। दूसरा जो है आपका यहाँ पर पार्टिकल कैप्टिव ट्रेस डिस्टेंस आर रेडियस में अगर रख रहे हैं तो रिटर्न नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, तो जब आपका क्या है, थर्ड वाला स्क्वायर रूट GM अपॉन R जो है आपका यहाँ पर इस कंडीशन में जो ये वापस ना आ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये जो है आपका कौन सा प्लॉट जो है आपका थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस रजिस्टर इन अ गिवन टाइम फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड I जो है आपका कौन सा बता रहा है। तो ये कर्व जो है आपका C वाला जो है ये दर्शा रहा है, ठीक है। थर्ड वाला जो है आपका ये दर्शा रहा है, ठीक। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो मूविंग चार्ज जो है दोनों बनाता है आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है ट्राइटियम एंड आइसोटोप हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है क्या करेगा, तो इसका सही आंसर है ट्राइटियम एनर्जी इज लेस देन देट ऑफ हीलियम जो है आपके यहाँ पर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है, ये कम होता है आपके यहाँ पर ट्राइटियम का, ठीक है। इसीलिए जो है ये क्या होगा, ये प्रोसेस आपका नहीं होता है यहाँ पर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसकी SI यूनिट क्या है, तो वेबर जो है ये SI यूनिट ऑफ आपका यहाँ पर फ्लक्स का रहेगा, ठीक है। इस फिगर के अंदर में जो आपका करेक्ट रिलेशनशिप I और साई के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, मैंने ढूंढा मुझे समझ में नहीं आया, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा सही रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एट्थ जो है आपका यहाँ पर क्या है, कंसिडर सिचुएशन फिगर, पॉइंट ए से पी से जो है आपका ए में बी में और सी में ले जाएंगे तो वर्क जो है क्या है, सब जगह बराबर रहेगा, ठीक है। थर्ड वाला जो है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा आपके यहाँ पर। नेक्स्ट है बॉडी फॉलिंग जो है आपके यहाँ पर फ्रीली है, फ्री फॉल का जो है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो फ्री फॉल में जो है बॉडी आपकी गिर रही है, तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है क्या रहेगी, ये कॉन्स्टेंट रहती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है क्या है, टू स्लिट्स आपका जो है 1 मिलीमीटर अपार्ट है, ठीक है। तो इसमें डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू दी है, तो इसका जो है आंसर 5 × 10⁻⁶ कुछ आपका ऐसा कुछ आएगा, 500 × 10⁻⁶, और इसको जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। 500 × 10⁻⁶ आता है, वो 0.5 मिलीमीटर में कन्वर्ट हो सकता है। टेकिंग बोर रेडियस अल्फा ये जो है आपका लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका 18 पिकोमीटर जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डिस्क्राइब स्मॉलर सर्कल प्रोजेक्टेड सेम वेलोसिटी, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा जो है कौन सा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपके यहाँ पर बनाता है, ठीक है। देखिए इनके एक्सप्लेनेशन में आप देखना चाहते हैं तो ये जो है आप डायरेक्ट जो है गूगल में सर्च कर लीजिए, है ना। और गूगल में सर्च करने के बाद में जो है आपको सबके एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ पर दिख जाएंगे आप लोगों को, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन को ही टाइप करेंगे तो आपको सबके एक्सप्लेनेशन और सब कुछ आपको जो है टॉपर्स बायजूस वगैरह जो है इनके अंदर में आपको सबका मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू डीटा जो है हमारा यहाँ आंसर रहेगा, ठीक। बुलेट के अगर मास की बात करेंगे तो रिकॉयल कितना है, माइनस में आएगा, रिकॉयल मतलब पीछे जा रहा है, नेगेटिव साइन बताएगा आपका, बट 1.5 मीटर पर सेकेंड। M1V1 = M2V2 ऐसा कुछ आपका करवाते हैं, ठीक है। फिर एक्सटर्नल टॉर्क जो है आपके यहाँ पर सिस्टम में जीरो है, तो फिर अगर ये देखेंगे तो भाई चारों तीनों स्टेटमेंट में ऑल ऑफ द अबाउट जो हमारा सही रहेगा इसका, ठीक। चलिए क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है डाउट है तो अपने ये सेट ए का पेपर है, है ना, आप अपने सेट में जो है पॉज करके अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उसके बाद में आंसर इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रिकेट बॉल वाला जो है इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो कितना है, ये 1.05 × 10⁴ न्यूटन जो है हमारा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हम, क्योंकि ये जो है हमारा बिल्कुल, है ना, हम बायो वाले हैं, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो हमने यहाँ पर आंसर की जो है निकाली है, तो ये आप लोगों के लिए बना हुआ है, तो डायरेक्ट जो हम इसके आंसर्स आप लोगों को दिखा रहे हैं, है ना। वाटर ड्रॉप रेडियस 10⁻²² जो रहेगा तो कितना है, सरफेस एनर्जी, तो 8.5 × 10⁴ जो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बैटरी EMF एप्सिलॉन इंटरनल रेजिस्टेंस आर वगैरह है तो, ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, तो ये जब आर के बराबर होगा, ठीक है। आर की जो है क्या है, जब आर जो है स्मॉल आर के बराबर होगा तभी आपका कहेगा, है ना। हाँ नेक्स्ट पर्सन आपका जॉगिंग कर रहा है, एवरेज स्पीड 14 ये कर रहा है, तो इसमें जो आपके यहाँ पर है ना इवेपोरेशन वगैरह की बात करेंगे तो इसका सही आंसर कितना है, ये जो है 0.25 kg है आपका, ठीक है ना।
ये जो है ना ग्राफ, ये जो है आपको ये डायग्राम मैंने जो देखा है, जो क्वेश्चंस मुझे मिले थे उसमें, ये नीचे जैसे पास आ रहा है ना, ये आपका इस बी पॉइंट के क्लोज आ रहा है, ये जो वेव्स है ना, जो डायग्राम बने हुए थे उसमें जो है कैसे है दूर जा रहा था, तो दूर जाने वाले में जो है आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा था, तो वो जो है आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, तो हमें लगा भाई कि आपका जो है दूर जाने का जस्ट उल्टा होगा, तो दूर जाने वाले में अगर ये ज़्यादा है तो पास आने में क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए हमने इसका आंसर ये लिया है। फिर भी आप लोग एक बार अपना फिजिक्स टीचर से जो इसको कंफर्म कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा घुमा के दिया आपको, है ना। चलिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर है, एवरेज इमिटेड बाय सोर्स कितना है, तो ये जो आपका 5×10^15 जो है आपका ये क्या रहेगा, इतना निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है गहरे समुद्र के अंदर लाल पीला जो दिखाई देना आपका यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ब्लूइश कलर क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर, आईपीस फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये जो है कितना है यहाँ पर जो है इसके अंदर में 150 सेंटीमीटर आएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस कितना रखना है 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाई और एक्स में दिया हुआ है, तो यहाँ जो बनेगा कैसा है, ये आपका एक वृत्त यानी सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, ये जो है पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री इसकी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट एक्ट रूम टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका पार्शली जो है इसकी डोमेन जो है कैसी रहती है, अलाइन रहती है। ठीक है, वैसे कहीं पर हमने पढ़ा है कि ये भी आपका जीरो रहता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो है हर मॉलिक्यूल का जीरो रहता है। ठीक है, बट इसका जो है ये सेम क्वेश्चन भी देखा है मैंने, जिस क्वेश्चन में आपका जो है आंसर जो है आपका सी लिया हुआ है ये वाला। ठीक है, हाँ, सारे क्वेश्चन जो है ना आपके पूरे के पूरे उठा के हैं यहीं से जो है लिए गए हैं, तो ज़्यादा यहाँ से मेहनत ही नहीं करनी हमको, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट है एमीटर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो रीडिंग कितनी आएगी एमीटर के अंदर में, तो ये 0.125 जो है आपकी एम्पियर की रीडिंग आ रही है। इलेक्ट्रिकल करंट डिपॉजिट इतना क्रोमियम के लिए कितना चाहिए, तो 0.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड जो है क्या है, इसको बोलते हैं एनर्जी बोला जाता है, ये ऊर्जा कहलाता है, है ना। रे लाइट इंसिडेंट एट एंगल थीटा वगैरह अगर हम देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ पर एंगल जो है ना 7.5 डिग्री जो है आपका यहाँ पर एंगल आएगा। ठीक, हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो इस केस में जो है इंटरफ्रेंस जो है यहाँ पर फ्रिंजेस के बीच में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, है ना, वो लाइट जो है क्या हो जाएगी आपकी फिल्टर हो जाएगी, तो फ्रिंजेस में जो है दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एल है, और ये जो आपका ये पूरा जो है सेट बनाया हुआ है ना, इसका डायरेक्ट आंसर जो क्या है भाई, टी आ रहा है, कहीं से हमने देख लिया है, मिल गया हमको सीधा सीधा आंसर। ठीक है, हाँ, तो सीधा सीधा बता रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, आप लोग खुद जो है सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर मिला लीजिए। ठीक, यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2C आता है इसका। ठीक है, एक पैरेलल और सीरीज वगैरह बनेगा ना, हाँ, देख लीजिएगा आप लोग, 1/C, 1/C, C और ऐसा करके कुछ बनेगा आपका। नेक्स्ट, वायु में तो आर्द्रता बढ़ने से बढ़ जाती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी जो आपका इंक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर कैपिलरी को अगर डिप करते हैं तो ये कितना होगा, तो भाई ये जो है आपका जितनी बड़ी कैपिलरी है उतना ही रहेगा, फ्री फॉल में डाल दिया ना ये, शायद क्वेश्चन में लिखा ना, हाँ, एलिवेटर फ्री फॉल है इसलिए जितना है उतना ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका ग्रेविटी इफेक्ट वगैरह शायद नलीफाई हो जाएगा। हाँ, ये जो है आपका ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर में जो भी कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू जो है कितनी है, x²/2L² जो है, ये जो है आपके यहाँ पर आएगा, तार में विकृति जो है आपका स्ट्रेन जो है इतनी दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो थर्ड वाला सही है ना, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को जो है पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है ना, बट दूर वाले को नहीं देख सकता। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ टाइम, तो ये लाइट ईयर और पार्सेक जो है ये डिस्टेंस के लिए होता है, लाइट जो है आपका टाइम के लिए क्या है, ईयर जो है हमारा यही चलता है ना। हाँ, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग जो है दोनों टाइप की बनती है ना, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये सब रखा है, तो इसका जो वैल्यू कितनी आएगी रेजिस्टेंस, तो 6.5×10^-3 जो है ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूले में डाल के जो आज का आंसर जो है सीधा सीधा आपका आ रहा है। हाँ, होल क्या होता है, तो होल जो है इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा तो खाली जगह छूट जाती है। ठीक है, ये जो है आपका वैकेंसी क्रिएटेड एट इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में जो है आपका। नेक्स्ट है रेडियस कर्वेचर कर्व सरफेस कॉन्वेक्स 20 सेंटीमीटर रिफ्लेक्टिव इतना है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ये जो है
यहाँ पर जो है एक्ट एज अ कॉन्वेक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द, जहाँ पर भी रखना है ये कॉन्वेक्स की तरह यहाँ पर जो है कैसे करेगा काम करेगा, ठीक है। चलिए ये जो है आपका ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका उठा के सीधा सीधा जो है, हाँ सी जी वालों ने बिल्कुल मेहनत नहीं की है, क्वेश्चन को उठा के सीधा पूरा का पूरा छाप दिया है। तो इसका आंसर जो है सीधा क्या आ रहा है, सी जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या रहेगा, अधिकतम आयाम रहेगा यहाँ पर, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सी का ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका कर दिया है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 10 वोल्ट पर मीटर जो है आपका, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है आपका दिखाई देगा, ठीक। चलिए अगला, इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर जो है क्या है, तो टॉर्क जो है ये जो है आपका ये जीरो हो सकता है, मे बी जीरो जो है आपका यहाँ पर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है यूनिडायरेक्शनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, तो कौन सा ग्राफ जो है हमारा सही होगा, तो ये सेकेंड वाला जो है आपका क्या है ग्राफ, ये जो है कर्व जो है आपका सही कहलाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आइडियल गैस जो है आपका डिफरेंट प्रोसेस में आपका जो है क्या किया, डाल दिया है ये जो 1, 2, 3, 4 दिया है, तो इसमें से जो है क्या है ए डायबेटिक जो है कौन सा है, तो ये जो है आपका सेकेंड वाली जो वेव है ये क्या है, ए डायबेटिक जो है आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। हाँ, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, नंबर ऑफ डेंसिटी ट्री करेंट वेरीज जो है आपका बदलता है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो रहा है गलत बढ़, हाँ तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये जो है जनरल टू एनी स्टेट विच लोअर एनर्जी जो है, ये जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सर्कुलर कॉइल रेडियस 1.5 सेंटीमीटर कैरीज करंट, ये देखेंगे तो इसका सही आंसर कितना, 1.7 × 10⁻³ टेस्ला जो है आपका इसका आंसर आएगा। इसमें एक और भी वैरायटी है क्वेश्चन का जिसमें आपका पाई की वैल्यू दी हुई है, तो उसमें आंसर कुछ और आता है, 1.7 आता है उसका, 1.57 आता है, उसमें ये यूनिट नहीं आती, ठीक है। हाँ, तो दो टाइप के क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे आपको, ये जो है फील्ड एट सेंटर में पूछा है तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, दूसरे वाले में 1.57 बस आंसर आएगा, उसमें कोई यूनिट नहीं रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग प्रोपोगेशन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर व्हाइट लाइट इन एयर, तो ये जो है ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव इन अ सेम स्पीड जो आपके यहाँ पर चलता है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 51, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, तो ये जो है आपका फोकल लेंथ से जो है डबल डिस्टेंस पे जो अगर हम रखेंगे तभी आपका क्या होगा सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी चार्ज बाय रबिंग वेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आना जाना करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का खुद का भी वजन होता है, तो स्लाइट इंक्रीज या डिक्रीज जो है आपका वजन में दिखाई देता है। नेक्स्ट है लेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ बी मॉडल्ड, है ना, तो ये जो है आपका क्या है, तो ये सभी सही हो सकता है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, बाउंडेड भी हो सकती है, तो सभी सही है, ठीक। थ्री कैपेसिटर ये जो आपके अवेलेबल है, मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितना होगा, तो पैरेलल और सीरीज में रखना है, तो ये आपका 2 और 18 6 6 6 18 हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, 1/6 + 1/6 + 1/6 है, तो ये 3/6 है, तो 1/2 और ये 1/C = 1/2, तो 2 हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। हाँ चलो, 2 सेटेलाइट AB जो है आपका, तो दोनों की स्पीड जो है क्या रहेगी आपकी इक्वल रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ नेक्स्ट है इंद्रधनुष वाला है, तो ये तो आपका रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, हाँ रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो दोनों एक ही दिख रहा है क्या, रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये इंटरनल बस लिखा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है क्या होता है, ये जो है आपका बनता है, ठीक है। हाँ सेकेंड वाला सही होगा आपका, नहीं तो आप बोलोगे सर थर्ड में भी तो ही लिखा है, तो सेकेंड में टोटल लिखा है, थर्ड में टोटल नहीं लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट है व्हेन अ न्यूक्लियस इन एटम अंडरगोस रेडियो एक्टिविटी के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ एटम, तो ये जो है आपका चेंज फॉर अल्फा बीटा रेडियो एक्टिव बट नॉट फॉर द गामा, इनमें चार्ज होता है ना, और इनमें चार्ज के साथ इनका वेट भी होता है, गामा में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए जो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक बच्ची खड़ी है, ठीक, तो ये बच्ची जो है आपको बायजूस में मिल जाएगी, इस बच्ची का पूरा डायग्राम, तो ये जो है सही आंसर कौन सा है, कॉनकेव आपका प्लेन और कॉन्वेक्स वाला जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। लेंस लॉ जो है ये किसके लिए है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पर जो है आपका फॉलो करता है, और ये दोनों स्टेटमेंट हमारे जो दिए हुए क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो ये जो है आपका फिजिक्स के भी आंसर की हमने डाल दिया है ना,
चलिए, तो ये जो है मेनली हमारा चैनल जो है आपका बायो से रिलेटेड है, तो बायो रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, हम वीडियोस कंटिन्यू डालते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, आंसर कीज पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक भी कर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपका, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो का हमने पहले ही डाल दिया है, आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा और अपना फाइनल स्कोर जो है हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको फाइनली कितना मिला है तीनों सब्जेक्ट मिला के, और इंडिविजुअली आप वो भी बता सकते हैं।